गैज़, उम्मीद करता हूँ तुम्हारे नोवफैब की जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और तुमको बेनिफिट्स मिल रहे होंगे इससे, मेंटल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल भी कुछ लोगों को मिल रहे होंगे। तो गैज़, एक बहुत बड़ा लेसन जो मेरे को नोवफैब से मिला है ना, गैज़ देखो, नोवफैब एक मतलब काइंड ऑफ वो कम्युनिटी है ना जो लोग मोस्टली एडिक्शन से निकल रहे होते हैं। तो ना इसके बहुत सारे स्टेजेस हैं, मतलब नोफैप के नहीं, इस पूरे प्रोसेस से आने के। एक तो तुम एडिक्शन से निकल रहे हो, स्टेप वन। एडिक्शन से निकलने के बाद तुम एक नॉर्मल जो भी तुम्हारी जीवन है, जो भी तुम्हारी लाइफस्टाइल है, उसको फॉलो कर रहे हो। उसके बाद तुम मूव कर रहे हो टुवार्ड्स ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो तुम माइनस वन में हो, फिर ज़ीरो पे हो, फिर वन पे आ रहे हो। तो ये तुम्हारा एक्स एक्सेस का ये एक रिप्रेजेंटेशन समझो। तो अगर तुम नो फैप में हो तो तुम्हारी पूरी स्ट्रगल तुमको एडिक्शन से निकलने के लिए है। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और थॉट्स की प्योरिटी, बॉडी की प्योरिटी, ये सब बातें करना उतना मतलब पता नहीं तुमको सिग्निफिकेंट लगेगा या नहीं लगेगा, आई डोंट नो। तो पहले माइनस वन से बात करते हैं ना, जब तुम एडिक्शन से निकल रहे होते हो तो एक बहुत बड़ी लाइफ में लेसन होती है ना, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी, कि तुम उस काम को हर दिन करते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने पहले भी बोला है, कि जो बड़े स्किलफुल लगते हैं देखने से, उनसे बात करो तो लगता है कि यार ये बंदे में ना पोटेंशियल है, इसके अंदर ना वो चीज़ है जो किसी काम को करने के लिए चाहिए या सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, लेकिन वो इंसान नहीं होता सक्सेसफुल। हम सब अपने घर में भी देख सकते हैं एग्जांपल, हो सकता है तुम्हारे छोटा भाई हो, तुम्हारा बड़ा भाई हो, या तुम्हारे परिवार में कोई, तुम्हारा कज़न, कोई सिबलिंग हो जो काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन वो हर दिन करता नहीं हो। आज मूड कर रहा है तो मैं करूँगा, कल मूड कर रहा है नहीं करूँगा। तो ये सारी तुम्हारी क्या होता है ना, मेंटल एनर्जी में डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन कह लो तुमको कहना है तो। बट डिसिप्लिन आता कहाँ से? डिसिप्लिन किसी चीज़ को तुम हर दिन करते हो तो उससे तुम्हारी हैबिट बनती है। मैंने पहले भी बताया ये, शायद हैबिट से तुम्हारी डिसिप्लिन बनती है, फिर वो एज अ रिलीजन हो जाता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे डीएनए में घुस जाता है वो चीज़ जाके, कि तुम करते ही हो। जैसे मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेरे को रात भर भी जगा लो, कुछ भी करा लो, मैं डेढ़ साल से मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया वो, क्योंकि मेरे को पता है जिस दिन से ये छूटा ना, उस दिन से मैं आके बोलूँगा कि भाई मेरा रिलैप्स हो गया, दिस इन दैट। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है गाइस, जिस दिन होगा उस दिन तो मैं बहुत खुश होकर बताऊँगा कि चलो यार इतने दिन तो आया मैं यार है ना, इतने दिन लड़ा तो पहली स्ट्रीक चल रही है भाई। और मैं उम्मीद करता हूँ गाइस, मैं प्रे करता हूँ कि तुम अपने अंदर वो ताकत पैदा करो और तुम 500 दिन की स्ट्रीक बनाओ, 1000 दिन की बनाओ, ऐसी खड़ी कर दो स्ट्रीक ना कि तुम मोड़ के देखो ना तो लगे कि यार जब ये कर सकता हूँ तो बाकी चीज़ें तो छोटी ही लगती हैं। मैं भी बहुत बार जब स्ट्रक हो जाता हूँ ना, क्योंकि होता हूँ स्ट्रक, लेवल अप कोई इंसान आराम से तो करता नहीं है, तुमको चैलेंजेस मिलते हैं। जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था कि मेरे से बेटर लोग जब मिलते हैं ना, मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि यार भाई क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों नहीं वो पुराने सर्कल में चला जाता हूँ जहाँ पे मैं सबसे स्मार्ट हूँ, या वहाँ पे लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरे को इज्जत देते हैं, मेरे बात की वैल्यू है वहाँ पर। बट उस सर्कल में तुम्हारा ग्रोथ नहीं है भाई, ये जब दूसरे सर्कल में उठ के आते हो ना, तुम लेवल अप करते हो, तो वो तुमको बोलते हैं कि अभी यार तूने स्कूल में नहीं पढ़ा क्या, ये इंजीनियरिंग तूने करी है ना, तो मेरे से क्यों पूछ रहे। तो देन एक होता है ना इंसल्ट के फॉर्म में, वो तुम पहले लेते हो, लेकिन बाद में तुमको लगता है कि यार ये सीखनी चाहिए ना, फिर तुम एक्स्ट्रा एक घंटे निकालते हो अपने दिन के, उस चीज़ को ब्रश अप करते हो, उस चीज़ को ब्रश अप करने के लिए चार और चीज़ें पढ़ते हो, तो ना वो लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तुमको धक्का कर दे के आगे लेके जा रहे हैं, है ना, जहाँ पे तुम कंफर्टेबल नहीं हो। और अलग अलग सेक्टर के लोग मिलते हैं तो दो चार बातें तुमको सिखा देते हैं। खैर टॉपिक नहीं है ये, मैं कंटिन्यूटी की बात कर रहा था। और गाइस, तुमने शायद ही कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा होगा ना जिसमें तुमको डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी की बात ना है सामने। कहना आसान है यार कि कंटिन्यूटी तुमको चाहिए, तुमको डिसिप्लिन चाहिए, बट वो आता कहाँ से, ये कौन बताएगा मेरे को? मैं मेरे अंदर पैदा कहाँ से करूँ वो कंटिन्यूटी, जब मैं फील कर रहा हूँ कि मैं हार रहा हूँ? मैं कैसे वो कंटिन्यूटी और वो डिसिप्लिन लाऊँ जब मुझे लगता है कि मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा? तो मोटिवेशनल वीडियो में तुम ज्ञान मत दो भाई, मेरे को तरीके बताओ ना कि मैं करूँ कैसे, तुमने कैसे किया हो तुम वही बता दो, ये जेन्युइन क्वेश्चन है ना यार,
थॉट्स, तुम्हारे थॉट्स को जानना और किसी काम को करने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। तो जब तुम नो फैब कर रहे हो तो माइनस वन एक्सेस पे हो ना, एक्स एक्सेस के माइनस वन पॉइंट पे हो, वहाँ से तुम ज़ीरो की तरफ जा रहे हो और फिर तुम वन की तरफ आ रहे हो। तुम अपने रिप्रेजेंटेशन कोई सा भी ले लो, लीनियर थोड़ा सा ईजी होता है समझने के लिए तो मैं लीनियर लेके चल रहा हूँ। जब तुम हर दिन वो अर्जे से फाइट करते हो ना, तब तुमको लगता है ना कि यार हर दिन में कुछ काम तो ऐसा है जो हर दिन कर रहा हूँ, क्योंकि अर्जेस तो भाई होता है ना, वो गेस्ट है ना जो जिसको कोई वेलकम नहीं कर रहा है, और वो गेस्ट है जो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेके आ रहा है और तुमको झूठे दिलासे दे रहा है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत टेंशन है, बहुत परेशान हो, तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो, थोड़ा रिलीफ हो जाएगा, जो कि रिलीफ घंटा नहीं होता। और तुम्हारे अंदर से तुम्हारी एनर्जी ख़त्म हो रही होती है, और शरीर की नहीं मन की। खा के शरीर की एनर्जी तुम पैदा कर सकते हो, लेकिन मन की एनर्जी तुमको ना कोई प्रोटीन खिला के नहीं दे सकता। मेंटल एनर्जी इसके पास नहीं है, उसके पास डिसिप्लिन कहाँ से आएगा, उसके पास कंटिन्यूटी कहाँ से आएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ेगी ना तुम भाग जाओगे वहाँ से, जैसे तुम पहले करते थे, जैसे मैं पहले करता था। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने कितनी कितनी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ से मैं भागा हूँ, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जहाँ पे मैं स्टार हो सकता था, चमक सकता था, लेकिन मैं वहाँ से डर के हट गया पीछे, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं मेरा साथ नहीं देता था। पॉइंट इज़ जैसे मैंने बोला है पहले, तो तुम हर दिन जब तुम मतलब देखते हो पीछे कि यार मैं इतना सब कुछ सह लेता हूँ, और तुम सोचोगे इस प्रैक्टिकल चीज़ें भी, एक बार तुम अर्जे से फाइट करके जीत जाते हो ना, तुम्हारे रिलैप्स नहीं होता, तुमको ना उस दिन बहुत खुशी महसूस होती है। तुम शायद उस चीज़ को रियलाइज़ ना भी करते रहोगे, लेकिन अब ऑब्ज़र्व करना उस चीज़ को कि उस मतलब माइनस वन एक्सेस वालों की बात कर रहा हूँ, माइनस वन टू ज़ीरो वालों की, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। वो उस ट्रैप में इतना गंदा फंस चुके हैं ना कि मतलब एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है इस चीज़ से निकलने का, और ये कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन का बहुत बड़ा लेसन देती है तुमको लाइफ में। तुम गिरते हो नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम निकल जाओगे आज नहीं तो कल। अब बात करते हैं जो लोग ज़ीरो एक्सेस पे हैं, ये वो लोग हैं जो अब एडिक्ट तो नहीं है। अब एडिक्ट का मतलब कि तुम दिन रात फंसे रह रहे हो उसी चीज़ में, दिमाग में चल रहा है। जैसे चेन स्मोकर क्या करते हैं भाई, वो एक सिगरेट बुझी नहीं, दूसरी जलने लगी, तीसरी, चौथी, दसवीं, बारहवीं, ऐसे ही। एडिक्ट नहीं हो तुम, अब तुमने एक ज़ीरो एक्सेस पे हो तुम। अब तुम 10 दिन में कभी तुम्हारा रिलैप्स हो गया, तुम 7 दिन में रिलैप्स कर रहे हो, लेकिन तुम कहीं ना कहीं तुमको ये चीज़ पता है ना कि मेरे को बिल्कुल इसको क्लोज करना है भाई, मेरे को ना ये लस्ट की गुलामी नहीं चाहिए, मेरे को भाई बिल्कुल फ्री होना है। बट स्टिल तुम किसी कारण से तुम कोशिश कर रहे हो कंट्रोल करने की, कभी 10 दिन, कभी 12 दिन, कभी 15 दिन। तो तुम्हारी जो फाइट है ना इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है जितनी कि माइनस वन वालों की है। वो तो हर घंटे उनकी फ़ाइट चल रही है, हर आधे घंटे, हर 15 मिनट में फ़ाइट चल रही है, और वो भी हर दिन, सातों दिन पूरे साल। तुम्हारा वैसा सीन नहीं है, तुमको अर्जेस हिट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, 2-3 दिन तुम बिल्कुल नॉर्मल रहते हो, चौथे दिन तुमको एकदम ऐसे लगता है भाई कुछ ऐसा आ गया, तो सोशल मीडिया चला रहे हो जैसे, या कुछ कर रहे हो, जो कोई चीज़ आई जो प्रोवोक करके चली गई, अब तुम उससे लड़ रहे हो, कभी कभार गिर जा रहे हो 10 दिन 12 दिन में, तुमको 2 दिन थोड़ा अनईजी फील हो रहा है, बट तीसरे दिन से फिर तुम बैक टू नॉर्मल हो रहे हो। लेकिन तुम वो हो जिसका चार्म बहुत है, तुम वो हो जो ग्रुप में सबसे एनर्जेटिक है, तुम वो हो जो काम को करने के लिए एक्साइटेड रहते हो, तुम मतलब तुम्हारे अंदर तुम जिंदा हो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम किसी चीज़ से भाग रहे हो। 10 दिन बाद कुछ बहुत से लोग कहते हैं ना कि एक मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी पे रिलैप्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम वो अंधे हो जिसकी माइंडसेट यही है, तुमको लगता यही है कि चलो यार 10 दिन में हो रहा है, नॉर्मल है। मेरे जैसा बंदे इस चीज़ को नॉर्मल नहीं मानता, बट अभी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो तुम्हारी कंटिन्यूटी इस चीज़ में है कि तुम्हारे अंदर उतनी एनर्जी रहती है कि तुम उतनी मेंटल एनर्जी तुमने डेवलप कर ली है, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ तुम दिन में 3 बार कर रहे हो, वहाँ तुम 10 दिन में 1 बार कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, जो भी है। तो 10 दिन में जहाँ तुमको 30 बार करना था, वो तुम 2 बार कर रहे हो, तुम 28 बार का तुमको बेनिफिट तो मिलेगा ना यार। 28 टाइम्स जो तुम्हारा बर्बाद होता सीमेन, वो तुम बचा ही रहे हो, और वो भी है कि वो 28 टाइम्स बचाने के लिए तुमने बहुत मेंटल एनर्जी लगाई भी है,
तो तुम्हारी मेंटल स्टैमिना या मेंटल एनर्जी तुम्हारी डेवलप हो रही है, और तुम कहीं ना तुम वो बंदे हो ना जिसको लगता है ना कि ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल कर सकते। अब कैसे क्या वो बात की चीज़ है, बट ऑप्टिमिस्टिक हो तुम कि चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। तुम वो हो जो दो तीन दिन खुश रहता है, मज़े करता है, एक आध दिन डाउन रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमेशा एनर्जेटिक रहता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि जो लोग हर दिन फैपर्स हैं उनमें ताकत रहती है कुछ करने की, मतलब वो तो बस चलते फिरते रहे, बस जी रहे और कुछ नहीं, उनके अंदर कोई चार्म नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, ताकत तो खैर है ही नहीं। तो तुम ज़ीरो एक्सेस वाले हो जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है फैपिंग करने की, और तुम्हारी स्किन अच्छी दिखती है तुमको, तुमको लगता है कि यार चलो 10 दिन में भी तो ये फ़ायदा मेरे को मिल ही रहा है। जो लोग यहाँ पे वीडियोस पे बात कर रहे हैं, मेरी स्किन पहले से बेटर हो गई है, आंखें चमक तो रही हैं, थोड़ी कम है लेकिन पहले से तो बेटर ही है। तो तुम वो हो जो पहले से बेटर कर रहे हो हर जगह। अब आते हैं वन एक्सिस पे, ये वाले लोग हैं स्पेशल वाले लोग, जो ना एक दो मिलेंगे बहुत मुश्किल से, ज़्यादा नहीं है इनकी संख्या, ज़्यादा नहीं है, और ना इनको ना तुमको सिखाने में घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इनको तुमसे या किसी से कुछ लेना देना है नहीं। तुमने सुना है ना विजुअलाइज योर गोल, सी योर सेल्फ इन वेयर यू डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स, हमें लगता था भाई तेरे को क्या करना है, तू चलेगा क्या मेरे साथ 5 साल के बाद, मैं कहाँ रहूँ। तो ये वो बंदे हैं ना जिनको दिखती हैं अपने आगे की चीज़ें, क्योंकि उनकी क्लैरिटी इतनी डेवलप हो जाती है। गाइस देखो 1.5 साल मेरे कोई कम टाइम नहीं होता इस चीज़ को इतनी कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए, ठीक है ना। तुम अपना बेस्ट दे सकते हो, तुम रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तुम रिजल्ट्स को नहीं बोल सकता मैं कि मैं लाइफ में क्या करूँगा क्या नहीं, लेकिन मेरी तैयारी कितनी है, मेरी क्लैरिटी कितनी है, और मैं देख सकता हूँ या नहीं, ये मैं मेरे से अच्छा, मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो मेरे को लगता है ना कि क्लैरिटी है कि मैं देख रहा हूँ, आंखें बंद करके मैं सोच रहा हूँ कि यार ये 2 महीने 3 महीने बाद ये क्या होने वाला है यहाँ पे। अब वो हो ना हो वो उस चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अब जो 0 एक्सिस और 1 एक्सिस का डिफरेंस है ना, वो है स्टेमिना का डिफरेंस, क्योंकि तुमको मैंने बोला 10 दिन 12 दिन 15 दिन में ये लोग रिलैप्स करेंगे, कि उन्होंने अपने अंदर टॉलरेंस बिल्ड तो किया है लेकिन उनकी बॉडी कैपेबल नहीं है कि अभी भी इसको उतने दिन से ज़्यादा होल्ड कर सके, क्योंकि एक तपस्या है गाइस, तपस्या में तप होता है, तप मतलब हीट होती है, हीट मतलब आग होगी, आग मतलब जलेगा, अब तुमको जलना पड़ेगा, आराम से तो होगा नहीं। तो ये 10 दिन तक जल सकते हैं, 11वें दिन इनकी बॉडी गिव अप कर देती है, इनका दिमाग गिव अप कर देता है, लस्ट इन पे ओवरटेक कर लेती है, बट गाइस तुम स्टिल -1 वालों से बहुत बेटर हो, और सारे बेनिफिट्स का 4 आना 8 आना तुमको दिख भी रहा है। तो तुम कंपेयर करोगे अपने यहाँ 6 महीने पहले वाले से तो तुम सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लेकिन 1 वालों के कंपेरिजन में तुम कहीं स्टैंड नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे पास स्टैमिना नहीं है। कोई बहुत से ऐसे गोल हैं जिसको 2-2 साल 3-3 साल चाहिए, ठीक है, हो सकता है उससे ज़्यादा चाहिए या थोड़ा कम चाहिए, इन सब के लिए तुम फिट नहीं हो, इतना लंबा तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी अभी मेंटल जलने की तुम्हारी कैपेसिटी उतनी हुई नहीं। जलना मतलब वो वाला जलना, मत जेलसी वाला मत समझ लेना मेरे भाई, वो जो डिटर्मिनेशन चाहिए ना वो तुम्हारे अंदर अभी डेवलप हो गया है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। 1 वाले वही लोग हैं जो अपने काम में लगे रहते हैं। मेरे से किसी ने पूछा भी था कि व्हाट आफ्टर नोफैप हार्ड मोड, तो नोफैप हार्ड मोड कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ब्रह्मचर्य जैसे ही कोई चीज़ है, तुमको मेंटल प्योरिटी का उतना ही ध्यान रखना होता है जितनी तुम्हारी फिजिकल प्योरिटी का, क्योंकि अगर दिमाग में वो थॉट्स घूमते रहेंगे तो ऐसे भी तुम्हारा नोफैप फॉलो तो हो नहीं पाएगा। आई होप तुम ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हो, और तुम जिस कौन से एक्सिस पे तुम हो फिलहाल मुझे ये बताना, -1 पे हो, टुवर्ड्स 0 हो, टुवर्ड्स 1 हो, 0 पे हो, 1 पे हो, मुझे बताना, और मेरे को अच्छा लगता है, और मैं तुम्हारे कमेंट्स के बेस पे ना वो वीडियोस बनाऊंगा भी कि जिस सेगमेंट में तुम हो उस सेगमेंट में चैलेंजेस क्या हैं उस, क्योंकि मैं -1 के आधे के बाद से चल रहा हूँ, बहुत एडिक्ट नहीं था, झूठ नहीं बोल सकता मैं तुमको, जो फैक्ट है वो है, लेकिन हम सब की अपनी लड़ाइयाँ हैं गाइस, किसी की मुसीबत बड़ी या किसी की मुसीबत छोटी नहीं है, तुम अपनी मुसीबत में हो, मैं मेरी मुसीबत। तो आई होप गाइस कि तुमको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और मैं थोड़ा तुमको हेल्प कर पा रहा हूँ, क्योंकि ना यार गाइस देखो ये चैनल मैं
किसी वो चीज़ के लिए, मैंने अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं बनाया। ठीक है, कल को तुमको थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, कल को मैं हमारे सिग्नल ऐप पे लोग हैं, मैं खुद उतना एक्टिव नहीं रहता, बट देखता हूँ तुम लोग कभी कभी बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देते हो वहाँ पे, अपना टाइम निकालते हो, क्योंकि आजकल सब लोग बहुत बिजी हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। तो थैंक यू वेरी मच गाइस कि तुम अपना टाइम निकाल रहे हो और तुम नो फैप करते रहो। थोड़े बहुत फेलियर्स आएंगे तो किस चीज़ में नहीं आते, हर चीज़ में फेलियर्स होते हैं, हर चीज़ में सेटबैक होते हैं। जो फेल नहीं हुआ यार, वो उसने कुछ ढंग से किया ही नहीं, चैलेंजिंग किया ही नहीं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम लिसनिंग टू।